अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर दानापुर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। इस मामले में कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने पक्ष रखा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कार्तिक कुमार के वकील ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस समय एंटीसिपेटरी रिजेक्ट किया था उस समय पुलिस ने फाइनल फैसला नहीं किया था, लेकिन आज पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और कहा है कि केस में कार्तिकेय कुमार की संलिप्तता नहीं है। इसे को लेकर कार्तिकेय कुमार की ओर से एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया था। दरअसल यह पूरा मामला अपहरण के एक केस से जुड़ा हुआ है। 2015 और 2017 में कार्तिकेय कुमार की जमानत रद्द हो चुकी है। इससे पहले दानापुर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी थी। बुधवार को उन्होंने गन्ना उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मंगलवार देर रात उनका विभाग भी बदल दिया गया था और कानून मंत्री से गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हुआ कि ही वाज नॉट दे, इसीलिए आए। लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने टाइमली मांगा कि हमें कानून पर दिया जाए बात करने के लिए। लर्नेड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज ने कहा कि शाम तक आपको जो कहना है कह दें, आज आज जो है ऑर्डर हम करेंगे, ऑर्डर रिजर्व। अच्छा, ऑर्डर रिजर्व है, आज ही आएगा जो आज ही 4 बजे। कितने बजे? 4:30 तक, 4:30। तो ये मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। साल 2014 में राजू सिंह का अपहरण हुआ था। राजू सिंह कभी अनंत सिंह के करीबी भी हुआ करते थे। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगुब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मरगुब, कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर अब से कितने देर में फैसले आने की उम्मीद है, क्या है ताजा अपडेट? देखिए करिश्मा, 4 बजे के बाद किसी भी समय माननीय न्यायालय का फैसला आ जाएगा और इस समय मैं दानापुर कोर्ट में हूँ। तो 4 बज चुके हैं और अब 4 से 4:30 के बीच इस बात की संभावना है कि माननीय न्यायाधीश कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएंगे। अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर पहले भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान न्यायालय ने नो कर्सिव लगाया था 1 सितम्बर तक के लिए। तो आज वो नो कर्सिव का डेट खत्म हो रहा है। तो आज लगभग पहले हाथ में दोनों पक्ष की तरफ से जमकर बहस हुई। लगभग 1 घंटे की बहस के बाद माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि 4 से 4:30 के बीच फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तो अभी मैं यही हूँ और फिलहाल अब देखना होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए कि कार्तिकेय सिंह के बेल पर थोड़ी देर में बस महज लगभग आप कह सकते हैं कि किसी भी समय फैसला आ जाएगा और माननीय न्यायालय अपना फैसला सुना देगा। बस महज थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में माननीय न्यायालय का फैसला आने वाला है। बिल्कुल मरगुब, नजर बना रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। आपसे थोड़ी देर में माननीय न्यायालय का फैसला आ सकता है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे कारण हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही थी, इसी कारण इस्तीफा देने का फैसला लिया। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और अब यानी जब इस मामले में कोर्ट से बरी हो जाएंगे तो पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। ना मतलब लोग हाइतवा मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सब के को मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम दे दिए।